अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज को राहत और जिंदगी की जुमला पेचीदगियों से नजात का जरिया समझते थे आपके मुकद्दस सहाबा भी आपके इसी तर्ज अमल की इतबा करते थे वो मुश्किल के वक्त नमाज से राहत कशीद फरमाते और अमनों आसानी के वक्त भी इससे वाबस्ता रहते नमाज पंजगाना की फर्ज नमाजों के साथ साथ कि जिनका मुसलमानों को हुक्म दिया गया है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पहर की नमाज में भी खुद को मसरूफ रखते रात के वक्त नफल नमाज अदा करना नेहायत नेकी व तकवा पर मबनी अमल है ये वो वक्त है जो दिन के कामों के दबाव और माहौल की मसरूफियात से फराखत पाकर आदमी तनहाई में गुजारता है रसूलुल्लाह रसूल अलैहि वसल्लम ने वाजे फरमाया कि रात की नमाज सुकून और राहत कल्ब का जरिया है आप अलैहि वसल्लम से यह भी मनकूल है कि नमाज तहज्जुद दिल की बीमारियों और जिस्मानी कमजोरियों का इलाज है आधी रात का वक्त वो वक्त है जब दिलों में इखलास जगमगाता है इस वक्त कोई आपको देखने वाला नहीं होता और किसी के लिए दिखावा मकसूद नहीं होता आधी रात का ये वक्त बजाय खुद बड़ा मुबारक वक्त है इस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है है मुझे कोई पुकारने वाला कि मैं जिसकी पुकार का जवाब दूं है कोई मुझसे मुआफी का मुतलाशी जिसे मैं मुआफ कर दूं नमाज तमाम जहनी दुखों का मदावा है यह रब से ताल्लुकात उस्तवार करने का जरिया है यह अपने वाहिद खालिक पर एतमाद पुख्ता करने में मदद देती है वो जो तुम्हें खूब जानता है जो तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर कर देने की ताकत रखता है जो तुम्हारे मन की हर मुराद पूरी कर सकता है इस दुनिया में भी और उखरवी जिंदगी में भी